हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू गाइस आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क ईवी का, जिसमें कि आपके पूछे गए ईवी से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उनका हम आंसर देने का ट्राई करते हैं। और आज कुछ नई धमाकेदार अपडेट भी हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम राकेश एंड आप देख रहे हैं ऑटो वाइजर। सो गाइस, सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में एक नए फ्यूल की खोज हुई है जो कि है लिथियम आयन। और लिथियम आयन आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लिथियम आयन, जिसकी खोज हो चुकी है इंडिया में, जो कि J&K में हुई है, जिसकी कैपेसिटी 5.9 मिलियन टन की है, जिसमें कि इंडिया अब सेकंड नंबर की कंट्री बन गया है। तो अब हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की सेल्स बनाने के लिए। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस है आगे कुछ सालों में आपको और भी सस्ती देखने को मिलेगी, यानी कि पेट्रोल व्हीकल से भी सस्ते आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस हफ्ते एक और बड़ी न्यूज ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने दी है अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करके। यहां पर ओला इलेक्ट्रिक के पास में अब टोटल 6 प्रोडक्ट है जो कि 85,000 से लेकर 130,000 रुपीस तक के हैं। तो अब आपका जिस तरीके का बजट है उस तरीके का स्कूटर आप ओला में से खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस पे हमने फुल डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट करना। वहीं कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक का भी टीजर लॉन्च किया था जो कि देखने में काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको ये बाइक्स वगैरह देखने में कैसी लग रही है। नेक्स्ट दोस्तों, हमने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल डाला था जिसमें कि हमने पूछा था कि ओला स्कूटर में सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है। तो आप में से सबसे ज्यादा जो कमेंट आए हैं वो आए हैं ओला S1 एयर 4 kWh बैटरी वाले मॉडल। तो ओला स्कूटर में इतने सारे प्रोडक्ट अब लॉन्च हो गए हैं, आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर इसमें से बेस्ट होगा। तो अब आप पोल की मदद से समझ ही गए होंगे कि इसमें 4 kWh बैटरी पैक वाला जो ओला S1 एयर है वो सबसे बेस्ट मॉडल है। हालांकि इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट करना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से फीचर मिसिंग है। वहीं दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो ईवी इंडस्ट्री है वो काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है, जिसका कुछ डेटा हमारे सामने आया है। ये डेटा सभी टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनीज का है जिसमें कि पेट्रोल और ईवी दोनों है, जो कि ईयर 2022 से लेकर 2023 का है। यहां पर आप देख ही सकते हैं देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पर 4.09% की हुई है सिर्फ। हालांकि ये अब अपनी विदा ब्रांड के साथ में भी इलेक्ट्रिक में एंट्री कर चुके हैं, बट अगर आप ओला और एथर को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है, जो कि आज तक किसी भी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने नहीं की। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार की बात कर लें तो टाटा टियागो इस टाइम पर सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है इंडिया में, जिसकी सिर्फ 2 महीने में 20,000 बुकिंग हो चुकी है। तो अगर आप भी इस टाइम पर टाटा टियागो ईवी लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी से इसको बुक कर लो, क्योंकि कंपनी ने इस कार की प्राइस को 20,000 रुपीज तक हाइक कर दिया है, जिसकी बढ़ी हुई प्राइस आप देख ही सकते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इस कार की कितनी ज्यादा डिमांड है, यहां पर कंपनी ने इसकी प्राइस भी हाइक कर दी है। वहीं दोस्तों, अगर आप टाटा टियागो नहीं ले सकते और आपका जो बजट है वो थोड़ा सा कम है, तो आप MG एयर ईवी के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इस कार की टेस्टिंग इंडिया में चल रही है, जो कि टेस्ट होते हुए स्पोर्ट की गई है गुजरात में। वहीं इस कार में हमें 150 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी, तो इस कार का भी आप जरूर से वेट कर सकते हैं। नाउ अब आपके पूछे गए कुछ ईवी से रिलेटेड सवाल ले लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक का, जो एक इंश्योरेंस क्लेम का हमने वीडियो बनाकर डाला था, उसमें यहां पर भाई ने पूछा है, भाई मैंने भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने को डाला है, पर वो लोग 15 से 20 दिन बोल रहे हैं और ऊपर से 1000 चार्ज भी मांग रहे हैं। तो यहां पर 1000 चार्ज तो उनको नहीं मांगना चाहिए, यहां पर मुझे लगता है कि आपका शायद से जीरो डेप्थ इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए शायद से 1000 चार्ज मांग रहे हैं। यहां पर लेबर कॉस्ट शायद से आपसे मांगी जा रही है, और 15 से 20 दिन कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं ये। अगर ICICI लोम्बार्ड कंपनी का है तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगता है, हालांकि वो कंपनी थोड़े से ज्यादा चार्ज करती है। बाकी आपका कौन सा कंपनी का इंश्योरेंस है ये जरूर से मेंशन करना। नेक्स्ट यहां पर गगन देवा पूछते हैं, आई हैव बुक्ड इट ऑलरेडी, विल आई गेट सब्सिडी इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि सब्सिडी मिलती है। मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करते हैं उनको सिर्फ पार्किंग फ्री दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, डोंट बाय ओला फॉर एक्स्ट्रा 1999 रुपीज। तो ओला सर्विस प्लान के लिए यहां पर बोल रहे हैं कि सर्विस प्लान मत बाय करो। तो ओला सर्विस प्लान आप लोगों को बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों की ये मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि आप जब भी ओला स्कूटर को रिपेयर करने जाएंगे इनके सर्विस सेंटर तो आपसे लेबर चार्ज वगैरह लिया जाएगा। बाकी ये जो सर्विस प्लान है ये अभी सस्ता चल रहा है, यानी कि 50% ऑफ पर चल रहा है। बाकी इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 5000 रुपीज के करीब होने वाली है। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो हमने वीडियो बनाकर डाला था, उस इनकी डिलीवरी होम डिलीवरी होगी या ओला की तरह ट्रेडिशनल शोरूम डिलीवरी होगी? तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सिंपल वन की जो स्टार्टिंग जितने भी कस्टमर हैं उनको होम डिलीवरी ही दी जाएगी, बाकी इनके शोरूम भी धीरे धीरे करके अब ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब इनके शोरूम्स वगैरह ओपन हो जाएंगे तब आपको ट्रेडिशनल ओला की तरह डिलीवरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ओला सर्विस नॉट गुड, दे यूज फेविक्विक एंड सस्ती टाइलॉक। तो सस्ती टाइलॉक वगैरह तो ये लगाती हैं, मैंने भी एक बार हैंडल के नीचे से थोड़ी सी साउंड आ रही थी तब इनको बुलाया था, तो टाइलॉक वगैरह और फेविक्विक से ही चिपका के गए थे। तो ये सब चीजें जुगाड़ से ही चल रहा है, क्योंकि इनमें कोई भी नट बोल्ट वगैरह नहीं है, इनमें सब क्लिप्स ही फंसी हुई है पूरी स्कूटर में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको ज्यादा गड्ढे वगैरह में चलाएंगे या फिर आपके एरिया में थोड़ा सा मतलब
रोड वगैरह ठीक नहीं है, तो ये स्कूटर मैक्सिमम 1 से 1.5 साल में पूरा ही बजने लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई मैंने भी ओला ले ली S1 Pro, इस स्कूटर का बहुत वक्त तक इंतजार करता रहा पर कंपनी का कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। तो सिंपल वन वाले अगर सुन रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं कि सभी लोग सिंपल वन को छोड़ छोड़कर अब ओला स्कूटर ले रहे हैं, क्योंकि सब जगह हमें ओला स्कूटर ही देखने को मिल रही है। और एक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर था सिंपल वन, जो कि टाइम से डिलीवरी नहीं हुआ। बाकी इसकी अब देखते हैं कि कब डिलीवरी आती है, कब कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। अभी तो उनका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ है, बाकी कंपनी कब तक इसके स्कूटर की डिलीवरी करवाती है ये अभी कोई भी अपडेट नहीं है, बट जैसे इसकी कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक एथर स्कूटर की अभी लास्ट वीक फायर इंसिडेंट हमें देखने को मिला था, उस पर इस भाई ने कमेंट किया है, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग स्ट्रिक्टली लॉज एंड ईवी मैन्युफैक्चर एंड फायर इंसिडेंट नाउ एंड देन देयर आर सच इंसिडेंट, दिस पीपल आर प्लेइंग विथ अवर लाइव्स। रिसेंटली इन हैदराबाद देयर वॉज ए फायर इंसिडेंट विच केस्ड सीरियसली डैमेज टू ओनर हाउस एंड प्रॉपर्टी, देयर इज एन वीडियो यूट्यूब। तो मैंने ये वीडियो हालांकि देखा नहीं है, यहाँ पर अगर सीरियस डैमेज हो गया है तो ये एक काफी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि फायर इंसिडेंट काफी सारे हमें देखने को मिलते हैं, बट आप देख ही सकते हैं कि कुछ कुछ ही फायर इंसिडेंट है जो हमें मतलब यूट्यूब वगैरह पर या ट्विटर वगैरह पर पोस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सरकार इन पर स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं लगा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार है वही ईवी को सपोर्ट कर रही है। अगर ये इन पर सख्ती कर देगी तो ईवी मैन्युफैक्चर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह या फिर ये बनाने ही बंद कर देंगे, जिससे कि जो सरकार का मेन मोटिव है यानी कि पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और जो आपको रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है वो हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ओका फास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की हमने जो वीडियो बनाकर डाला था उसमें पूछा है मिड माउंट मोटर और फास्ट चार्जर फैसिलिटी कब मिलेगा। तो मिड माउंट मोटर और फास्ट चार्जर आपको ओकाए में शायद से देखने को ना मिले, क्योंकि इनके काफी सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं और इन्होंने जो डिजाइन वगैरह है वही पकड़ा हुआ है, ये चेंज कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर आपको इसमें रिमूवेबल बैटरी ही देखने को मिलती है, इनके स्वैपिंग स्टेशन वगैरह काफी सारे बने हुए हैं, इसलिए कंपनी रिमूवेबल बैटरी का यूज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, अमन अली पूछते हैं #askevi, भाई मैं इतना वेट कर रहा हूँ ओला एक्सपीरियंस सेंटर कब ओपन होगा मेरठ में। तो ओला एक्सपीरियंस सेंटर अभी मेरठ में शायद से ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि अब कंपनी 200 और एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने वाली है अपने 2023 तक, तो शायद से इसमें मेरठ भी काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ओला S1 एयर और ओला S1 प्रो के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें भाई ने पूछा है भाई बट परफॉर्मेंस सही नहीं है एयर की। तो परफॉर्मेंस आपको इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली एयर की, क्योंकि उसमें हमें हब माउंटेड मोटर देखने को मिलती है, जबकि जो सेंटर माउंट मोटर होती है उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस स्कूटर निकाल कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर उसी वीडियो पर एक और कमेंट आता है, S1 एयर बेस्ट है सस्पेंशन के एस्पेक्ट में, बट ये देखना होगा कि इन्होंने हीटिंग इशू सॉल्व किया है कि नहीं। तो हीटिंग इशू हालांकि ओला स्कूटर में हमें पहले देखने को मिलता था उनकी बैटरी और उनकी मोटर में, बट अब किसी भी स्कूटर में हमें हीटिंग इशू वगैरह देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इसमें देखना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर आप कोई भी स्कूटर बाय करने का सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, जब इसकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में आप बुक करवाना तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर भगत सिंह पूछते हैं भाई आपका सेंटर स्टैंड कब आएगा, कितने दिन में, कैसा लगा वीडियो बनाकर दिखाना। तो सेंटर स्टैंड मुझे नहीं लगता कि फरवरी में भी डिलीवरी हो पाएगा, क्योंकि जो उसकी डिलीवरी है वो आगे आगे खिसकाए जा रहे हैं और अभी तो ये डिस्पैच भी नहीं हुआ है और सभी के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये थे दोस्तों आप सभी के पूछे गए ईवी से रिलेटेड सवाल, और आपका कोई भी सवाल हो सुझाव तो आप भी हमें #askevi करके नीचे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पर पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।